हेलो स्टूडेंट, दिस इज गजानन गवारे एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास सेकंड. ओके, तो टुडेज टॉपिक इज रियल नंबर. मतलब हमने कल टॉपिक पढ़ा था जो रियल नंबर का पार्ट वन था, और आज क्लास सेकंड है जो कि रियल टॉपिक है. जो बचे पार्ट है, पार्ट नंबर थर्ड और फोर्थ, जो आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले. ठीक है, तो हमारा बचा हुआ पॉइंट था पॉइंट नंबर फोर्थ, जो है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर. ओके, रैशनल नंबर. अब सबसे पहले रिविजिटिंग का मीनिंग तो पता होना चाहिए आपको. ठीक है, रिविजिटिंग का मीनिंग होता है, आपने नाइन्थ क्लास में इसको पढ़ा था. ठीक है, रिविजिट यानी क्या करना, दोबारा हम उसको क्या करेंगे, हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं. किसको? इरेशनल नंबर को. तो ये तो आपका नाइन्थ स्टैंडर्ड में ही हुआ ही था इरेशनल नंबर, तो फिर से हम एक बार पढ़ लेंगे ये इरेशनल नंबर होते क्या है. ठीक है, सबसे पहले इरेशनल नंबर का मीनिंग ये होता है, सबसे पहले रियल नंबर जो हमने पढ़े थे. ठीक है, रियल नंबर कैसे बन जाते हैं, एक तो रैशनल नंबर होते हैं आपके प्लस इरेशनल नंबर. ठीक है, हमारे जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर बनके हमारे रियल नंबर बनते. अब हमको पढ़ना है यहां पे इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का मीनिंग ही होता है इरेशनल नंबर. क्या होगा, ऐसे कोई तो डेसिमल नंबर होंगे हमारे जो कि क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए. नॉन टर्मिनेटिंग. अब नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मीनिंग उसको एंड नहीं होगा. जब हम कोई भी डेसिमल नंबर यूज करते हैं उसको लास्ट तक वो सॉल्व करते जाएंगे तो वो आंसर निकलता ही जाएगा. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पर, जैसे मैंने देखा 2.78924, ऐसे कुछ तो बढ़ते जाएंगे नंबर, मगर ये नंबर रिपीट नहीं होगा. अगर यही नंबर रिपीट हो जाता सेम 2.7777 ऐसे कुछ तो ये क्या हो जाता हमारा, ये तो रैशनल नंबर में चला जाएगा. मगर हमको पढ़ना है क्या, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, जो इसके एंड होगा, नॉन रिपीटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग भी. नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग ये होता है जिसको एंड नहीं होता. ठीक है, तो ये तो बेसिक तो हमारे बात रहे मतलब इरेशनल नंबर के बारे में. अब हमको यहाँ पे पढ़ना है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर. ठीक है, इरेशनल नंबर आपने बहुत सारे देखे होंगे, एक तो बात आपको पता होनी चाहिए, जो बेसिक आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इसी को लेके चल रहे हैं. कोई भी अंडर रूट में, ठीक है, अगर अंडर रूट में या स्क्वेयर रूट में कोई भी प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर होता है किसमें, अंडर रूट में, तो आप इसकी ये जो नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होता है. क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा पाई. ठीक है, ये देखा होगा पाई, पाई की वैल्यू तो होती है सर 22/7 और 3.14. ठीक है, आपकी पाई की वैल्यू बोल दोगे सर फिर ये तो क्या, ये तो आपने बोला कि यहां पे ये नंबर दिखाई दे रहा है. ठीक है, मगर ये जो पाई होता है इसकी जो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये जो पाई भी है ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है. ठीक है, ये पाई की जो वैल्यू होती है वो भी इरेशनल नंबर है. क्यों, क्योंकि एक तो इरेशनल नंबर इस फॉर्म में नहीं होते. ठीक है, रेशियो के फॉर्म में नहीं होते, मतलब 22/7 जो बोल रहे हैं हमने यहाँ पे बोला था, ये नंबर इरेशनल नहीं होते, इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, ये भी याद रखिएगा. और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, क्यों कभी भी जीरो नहीं होगा, और ये जो रेशियो के फॉर्म में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होते. ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा पाई भी हमारा जो है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये भी एग्जैक्ट ना होने के कारण हमारी जो इससे पाई की वैल्यू को भी हम इरेशनल नंबर कहते. तो आपके इस 10th क्लास के सिलेबस में यही पूछा है, जैसे कि कोई वैल्यू है √2, √3, √5, ठीक है, √15, पाई एटेक्स्ट्रा. ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या है हमारे, इरेशनल नंबर है. ठीक है, तो हमने तो आपकी एनसीईआरटी भी कहती है, क्या कहती है, एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी बुक भी कहती है, जो आपके टीचर लोग भी कहेंगे वो क्या, √2, √3, ये जो प्राइम नंबर है. ठीक है, रूट के अंदर क्या 2, 3, 5 छोड़ेंगे थोड़ा, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर है. तो प्राइम नंबर हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे. मगर यहाँ पे एक कंसेप्शनल पीस है, एक्सेप्शनल पीस कहेंगे इसे हम, √15. ठीक है, 15 तो सर हमारा रैशनल नंबर, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं फिर भी ये इसकी जो वैल्यू होगी ये इरेशनल कैसे हो गई. ठीक है, ये जो है 15 है ये इरेशनल कैसे होगा, तो यही आपको यहाँ पे प्रूव करना, हमको या मतलब
इस लेसन में रिविजनिंग इरेशनल नंबर में हमको यहाँ पे सिर्फ यही प्रूव करना है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ये कैसे इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस सब को पढ़ने के पहले एक थ्योरम दिया है यहाँ पे, जो थ्योरम हम सबसे पहले कंफर्म करेंगे मतलब प्रूव करके दिखाएंगे, बाद में आपको पता लगेगा रूट टू रूट थ्री वगैरह ये वैल्यू रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। ठीक है, चलेगा, यहाँ पे एक थ्योरम है, थ्योरम का नाम है थ्योरम 1.3। ठीक है बच्चों, तो आपके भी बुक में ये पेज नंबर 12 पे है थ्योरम 1.3। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, ओके, क्या है पी एक प्राइम नंबर है हमारा, इफ पी इज डिवाइड बाय ए स्क्वेयर, ठीक है, देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर, ओके, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं आप इसे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये आपका थ्योरम है, मतलब यहां पे हमको क्या प्रूव करना है, कोई तो पी है हमारा जो कि हमारा प्राइम नंबर है, उसके बाद पी है किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बेसिक में जा रहा हूं मैं, आपको ये पूरा इंपॉर्टेंट इतना तो नहीं है, सिर्फ बेसिक बताने की बात कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई तो पी हमारा यहाँ पे लिख दिया हमने, पी क्या है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू हमने इसके पहले था पढ़ा था एल्गोरिदम वाला, ठीक है, मतलब यूक्लिड एल्गोरिदम में वहां पे लिखा होगा, हमने लिखा था जो भी किसी भी इंटीजर्स के जो फैक्टर होते हैं मतलब प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं ना P1 P2 P3 अप टू, ठीक है, इसी फॉर्म में होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमने तो एक के बारे में ये पढ़ लिया, नेक्स्ट अगर इफ P इज डिवाइड ए स्क्वेयर, ठीक है, अब ए की वैल्यू ये है तो हम ऑफकोर्स ए इंटू ए करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी भाई, ए स्क्वेयर तो मिल जाएगा, ठीक है, तो ए की वैल्यू ये रिपीट डाल देंगे तो हमको क्या बन जाएगा, P1 स्क्वेयर P2 स्क्वेयर ओके P3 स्क्वेयर ऐसे, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू तो मुझे पता थी, ए इंटू ए किया तो मुझे ए स्क्वेयर यानी क्या P1 स्क्वेयर P2 स्क्वेयर P3 स्क्वेयर मिल गया, ओके। अब यहां पे हमने कहा कि P को हम क्या करना है, इस A स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे, मतलब A स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P, A स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P मतलब क्या होता है, इसका यही मीनिंग होगा ना कि A की जो भी वैल्यू होगी ये P डिवाइड कर रहा है किसको, इस A स्क्वेयर को, A स्क्वेयर में क्या है, ये उसके प्राइम फैक्टर है, कौन है भाई, P1 स्क्वेयर P2 स्क्वेयर P3 स्क्वेयर, ओके। अब इनमें से ये डिवाइड कर रहा है मतलब इनमें से सब कोई तो कॉमन फैक्टर होगा, जैसे हम ये काटते हैं आपने देखा होगा अभी, अगर मैंने कोई तो फैक्टर ले लिया 2 इन मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ऐसे 4 कुछ तो होगा, और मैंने सिर्फ 2 ले लिया था नीचे, तो ऊपर कोई तो ऐसा कॉमन फैक्टर होगा तभी ये कट जाएगा, जैसे ऊपर नीचे ये 2 था ये 2 कट गया था, वैसे इस P की वैल्यू कोई तो ऐसे इक्वल होगी इन इन P की वजह से, जो इनमें से सारे के जो P3 है इनमें से कोई तो एक P तो होगा जो इस P को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो ए स्क्वायर की वैल्यू है P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर इसको ये क्या करेगा, P डिवाइड करेगा, मतलब उनमें से P तो कट जाएंगे। उसके बाद यहां पे देखिएगा, नाउ वी डिवाइड ए स्क्वायर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ओके, आपको उस कल ही मैंने पढ़ा था द फंडामेंटल, ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ओके, बन जाएगा P1 P2 P3, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस थ्योरम को यही प्रूव करता है कि आपके जो भी वैल्यू होंगे ए स्क्वायर की जो क्या करेगी, पी से डिवाइड होने के बाद आपका फंडामेंटल थ्योरम जो अरिथमेटिक का वो क्या हो जाता है, फॉलो हो जाता है, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ पे हम और नंबर लेंगे जो हमको करना है, क्या रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर है वो दिखाना है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हम, जैसे यहां पे एग्जाम्पल दिया है देखो, ओके, थ्योरम नंबर सेकंड 1.4,
ठीक है, अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, ओके, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसे मार्क कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको ये 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि अंडर रूट टू या स्क्वायर रूट टू इज इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करने को कहेगा ही कहेगा। तो आपका प्रूफ क्या होगा, ठीक है, आपके पास क्या दिया है, रूट टू ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ये इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करेंगे हम, लेट अस एज्यूम, ओके, मान के चलते ये रूट टू जो है हमारा वो क्या है, रैशनल नंबर है, ओके, रूट टू इज रैशनल नंबर, ठीक है। हमने क्या माना, हमको तो प्रूफ करना था इरेशनल नंबर, मगर हम इसको मान के चलेंगे, एज्यूम ही करना है, ठीक है, क्या करना है हमको कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर, देन सो वी कैन फाइंड इंटेजर्स आर, ठीक है, हमने डिनोट किया किससे, आर को इंटेजर्स डिनोट किया है, और एंड एस जो कि क्या होंगे, 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है, आर एंड एस हमारे क्या है, इंटेजर्स है, और ये इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएंगे। उसके बाद रूट टू इज इक्वल टू आर बाय एस, ठीक है, हमने कहा था इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर हो हमारे वो इस फॉर्म में नहीं हो सकते, ठीक है, जो आप फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं या डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर फॉर्म कहते हैं, इस फॉर्म में तो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, मतलब ये तो गलत है, ठीक है, मगर हमारे रैशनल नंबर जो होंगे, ठीक है, रैशनल नंबर ये इस फॉर्म में हो सकते हैं। तो हमने तो पहले काउंट वही किया था, क्या कहा, रूट टू जो हमारा है वो रैशनल नंबर है, और उसको रैशनल नंबर के ये हमारे आर और एस जो है हमारे क्या है, इंटेजर्स है। तो मैंने रूट टू इज इक्वल टू किसके बराबर लिखा, आर बाय एस के बराबर लिखा, ठीक है। अब ये तो मुझे पता है कि रैशनल नंबर टू हमारा आर बाय एस के बराबर है। उसके बाद सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, हैव अ कॉमन फैक्टर, मतलब क्या, अगर इन दोनों का कोई तो कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या नंबर, कौन से बन जाएंगे, ये नंबर ये बन जाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर, या कंपोजिट भी कह सकते हैं आप, या को प्राइम नंबर भी कह सकते, ठीक है, कंपोजिट कॉमन फैक्टर, तो इट को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सो रूट टू इज इक्वल टू ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ये क्या हमारे को प्राइम है। सो अब ये बी यहां पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, बी रूट टू इज इक्वल टू ए, ठीक है, हमको क्या मिला, बी रूट टू इज इक्वल टू ए, हमारा एक पॉइंट मिला, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, जब इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर बन जाएगा, ओके, रूट टू का अगर मैं स्क्वेयरिंग करता हूं, तो इसकी क्या हो जाएगा, रूट टू कैंसिल होके फिर आंसर सिर्फ 2 ही बचता है, और यहां पे बन जाएगा ए स्क्वेयर, ठीक है, क्या बनेगा मेरा यहां पे ए स्क्वेयर, कब, ऑन बोथ साइड करते तब। उसके बाद हमको थ्योरम, इसके पहले वाला जो 1.3 पढ़ा था अभी हमने, ओके, उस थ्योरम के हिसाब से यह क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब दैट टू डिवाइड्स ए, टू डिवाइड ए, ठीक है, अगर मैं ए को 2 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, 2c, ओके, तो ये c क्या है हमारा, इंटीजर्स है। उसके बाद हमको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट फॉर ए वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, दैट इज
बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू सी स्क्वेयर। ठीक है, ये थ्योरम है, सिर्फ आपको याद रखना है, सिर्फ हम डायरेक्टली फार्मूले पे जाएंगे उसका। तो देयरफॉर ए एंड बी हैव द दैट्स मीन टू डिवाइड्स बी बी स्क्वेयर एंड टू डिवाइड्स बी। ठीक है, इसके पहले जो थ्योरम पढ़ा था हमने 1.3, ठीक है, थ्योरम जो था हमारा 1.3 इसके पहले वाला, वहां पर हमने कहा था कि p अगर कोई प्राइम नंबर होता है वो क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मीनिंग क्या होता है उसका भी कि वो a को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं। देखिएगा, जो हमारा 2 है ये क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है या उसके b को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या, आप जो b के कोई जो फैक्टर होंगे वो किसके बराबर होंगे, इस 2 के बराबर होंगे, वो हमने पहले ही कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, देयरफॉर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। अब तक हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर क्या, अगर a एंड b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, किसका भाई, ये जो b होगा कोई तो नंबर जिसके फैक्टर होंगे, वहां पे ये 2 जो क्या होगा हमारा कॉमन फैक्टर ही होगा। अब बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट